मेरा नाम सैयद जाफर हुसैन, मैं अलीगढ़ हाई स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 10वीं कक्षा का उपवाचक पाठ गुड़ियों का त्यौहार, ये एक कहानी भी है, ये लेटर के ऐसा लेटर राइटिंग पे भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अपन बातचीत किस तरीके से, पत्र लेखन किस तरीके से चलते रहता है, यानी पत्र के व्यवहार के बारे में। ये तो एक गुड़ियों का त्यौहार, एक त्यौहार को गुड़ियों के लिए, गुड़ियाँ जो त्यौहार के हैं उसके लिए मनाया जा रहा है। लेकिन असलियत में ये पत्र लेखन कि पत्र लेखन किस तरीके से लिखना है, अपन आपस में किससे तो भी डीलिंग करने जा रहा है तो किस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पे ये बताया गया। श्री विजय राघव रेड्डी, ये लिखित वाले हैं विजय राघव रेड्डी। ये एक कहानी के तौर पे है और एक पत्र लेखन के तौर पे है। देखिए ये कहानी क्या है। स्कूल के खुलने तक वेतन मिलेगा नहीं, बची हुई सारी रकम तुम्हारे पास ही है, तुम्हारी मर्जी, गुड़ियाँ खरीदेगी या बच्चों के लिए नए कपड़े सिलवाएगी या अपने लिए नई साड़ी मंगवाएगी, जो चाहे सो कर लो। बाजार से लौटकर कोट उतारते हुए मैंने कांतम से कहा, क्या यहाँ पे स्कूल हॉलीडेज में है, स्कूल खुले जब तक हम लोगों को तनख्वाह नहीं मिलेंगी, जितने भी अब तक कमाए तो पैसे पूरे अपनी पत्नी कांतम के पास रखे हुए थे, उन्होंने तो उनसे कह रही कि अब तुम्हारी मर्जी, ये गुड़ियों का त्यौहार यानी ईद आ रही, बच्चे गुड़ियाँ वगैरह खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, अब आप बच्चों के लिए गुड़ियाँ दिलाते या बच्चों के लिए कपड़े सिलवाते या आपके लिए नई साड़ी मंगवा लेते, जो करना है आपकी मर्ज़ी, मेरे कहने जितने पैसे है उतने आपको दे दे रहा हूँ, कह के लेखक कांतम से कह दे रहे हैं। हाँ हाँ, बड़ा ख़जाना रख छोड़ा है तुमने मेरे पास। कांतम उसके उसमें जवाब क्या दे रहे हैं, मेरे पास आप बहुत सारा ख़जाना रख के छोड़े हुए हैं, कुल 200 रुपये बचे हुए हैं, इतनी मेहनत करने के बावजूद, इतने बचाने के बाद मेरे पास सिर्फ 10 रुपये की नोट रखे हुए हैं, ऐसा कर रहे हो मानो बहुत बड़े नवाब के बेटे हो। कांतम ने जवाब दिया मेरे मजाक बनाते हुए, क्या है ऐसा आप मेरे को बोल रहेंगे, 10 रुपये मेरे कहने जमा करके कितने की रुपए दे दिए, बोले तो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मानो आप एक बड़े नवाब के बेटे हैं। ये मजाक उड़ाते हुए कांतम हस्बैंड से बोल रहे थे, अरे परसों जब कोंडापल्ली जा रहा था तब वहाँ होता तो 4-5 रुपए की गुड़ियाँ ले आता। आंख मटकाते हुए मैंने कहा, मानो किसी बड़े बाप का बेटा हो। ये कोंडापल्ली ये गुड़ियों के लिए बहुत मशहूर है, इसलिए इन्हों क्या बोल रहे थे, परसों मैं कोंडापल्ली से आ रहा था, 5-5 रुपए की गुड़ियाँ खरीद के लाने के लिए सोचा था, ऐसा मजाक से फिर कांतम को बोल रहे थे, मैं एक बड़ा बाप का बेटा हूँ इसलिए 5-5 रुपए के। बस बस मनाइए नहीं है, कोंडापल्ली के काट की गुड़ियों के सिवा कुछ नहीं मिलते, मुंह बिगाड़ते हुए कांतम ने कहा। बस बस मस्कर अपन छोड़िए, बनाइए मत, कोंडापल्ली के काट के गुड़ियाँ के सिवा और कुछ भी नहीं है। बात बदलने के उद्देश्य से मैंने कहा, बस अब चुप करो, देखा जाएगा, बस बस खामोश बैठ जाओ, अब देखेंगे क्या है क्या नहीं। आखिर मेरी बात तो सुनिए, कुछ भी हो इस साल कम से कम 10 रुपए की गुड़ियाँ अवश्य खरीदना होगा। कांतम बोल रहे हैं कि मेरी बात सुनो आप, ये साल 10 रुपए की गुड़ियाँ कम से कम खरीदना ही छूँगा, पुरानी ये गुड़ियाँ सारी ख़राब हो गई हैं, पुरानी जो गुड़ियाँ रखे हुए हैं वो पूरे ख़राब हो गए,
बच्चे बहुत ज़िद कर रहे हैं नई गुड़ियों के लिए, बच्चे पूरे ज़िद कर रहे हैं नई गुड़ियाँ दिलाने के लिए। कांतों एक छोटा सा व्याख्यान देते गई, इस तरीके से कांतों उनके हस्बैंड को बोलते जा रही थी कि बच्चों के लिए नए गुड़ियाँ ख़रीदना ज़रूरी है, पूरे गुड़ियाँ ख़राब हो गए। मेरी सुनी अनसुनी सा रह जाने से फिर उसने कहा, सुन रहे हो, आपसे ही कह रही हूँ, इस साल नई गुड़ियाँ ज़रूर ख़रीदना होगा, अन्यथा इन पुरानी गुड़ियों को देखकर लोग हंसेंगे। मैं सुने नहीं सुने तो ऐसा अनजान मार दे रहा था। तो फिर उन्होंने मुझे बुला के बोल रही थी, आप सुनिए, इस साल नए गुड़ियाँ ज़रूर ख़रीदना है, वो गुड़ियाँ पूरे पुराने हो गए, अगर से गुड़े पुराने गुड़ियों को देखेंगे तो लोग हंसेंगे। अच्छी बात है, उसी के बारे में सोच रहा हूँ, कहकर भोजन के लिए उठा। ठीक है, अच्छी बात है, उसके लिए मैं सोच रहा हूँ, अब मेरे को सोचने दो, बोलते हुए उन्होंने भोजन के लिए खाना खाने के लिए उठे। भोजन के बाद बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा, उधर तो अब मिलने का नहीं है, उधर तो अब मिलने का नहीं, कहीं पैसा मिली भी जाए तो भी 10 रुपये गुड़ियों के लिए खर्च करने की इच्छा नहीं हो रही है। अब बिस्तर के ऊपर लेटे लेटे सोच रहे कि उधार अब तो नहीं मिलता, कहीं पैसा भी मिल गया तो एक 10 रुपये के गुड़ियाँ खर्चा करके लाना मैं मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ। सोचते सोचते मुझे एक उपाय सूझा। इस तरीके से सोचते सोचते इनके दिमाग में एक प्लान आ गया, तुरंत कलम और कागज़ लेके पत्र लिखने लगा, फौरन हाथ में पेन और पेपर ले लेके एक लेटर लिखने लगे। अब यहाँ पे देखिए, लेटर ये कंपनी वालों से अपन लेटर किस कैसा लिखना है ये कंपनी को, और वहाँ से अपने को किस तरीके से रिप्लाई आते हैं, यानी यहाँ पे एक अब यहाँ से शुरू हो रहा आपको एक पत्र लेखन का मॉडल। बंदर सेवा में वेंकट जी एंड सन्स कंपनी विजयवाड़ा, वेंको जी एंड सन्स कंपनी वालों को लिख रहे हैं, ये विजयवाड़ा, इन्हों बंदर से लिख रहे हैं। अब देखिए, अपना एक छोटा सा निवेदन करने के लिए मैं आपको ये पत्र लिख रहा हूँ। महोदय, यानी एक रेस्पेक्टेड देते हुए, रेस्पेक्ट देते हुए, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करने के लिए, एक छोटी सी गुजारिश करने के लिए आपको ये पत्र लिख रहा हूँ। यदि आप यह स्वीकार कर तदनुसार काम करेंगे तो आपकी कंपनी की उन्नति एवं आपका असीम लाभ होने की संभावना है। अगर से मेरी जो राय मशवरा है उसे आप स्वीकार करके, मेरा निवेदन आप स्वीकार करके उसके अनुसार आप अगर से काम करेंगे तो आपकी कंपनी और आगे तरक्की करते हुए आप ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। मैं आंध्र प्रदेश के लेखकों में थोड़ा बहुत नमी लेखक हूँ। मैं जो आंध्र प्रदेश है इसमें यहाँ के लेखकों में ज़रा थोड़ा सा कमज़ोर लेखक हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो मेरी कहानियों को देखते ही ना पढ़ता हो, ऐसा कोई भी इंसान ना होगा कि मेरे कहानियाँ देखते ही पढ़ने के लिए तो कोई आगे नहीं बढ़ता। मेरे शहर में एक नया पत्र निकल रहा है, मेरे गांव में एक नया सा पत्र निकल रहा है, लोगों का कहना है उस पत्र की 20,000 तक प्रतियां निकलती हैं, एक न्यूज़पेपर निकलने वाला है, लोग कह रहे हैं कि ये न्यूज़पेपर रोज़ 20,000 कापियां छपने वाली है। कहानी ही नहीं, सचमुच ये बात सही है, ये कहानी के पत्र नहीं, ये बात सही है। इस स्थिति में आप यह मत सोचिए कि उसे केवल 20,000 लोग ही पढ़ते हैं, आप ये मत सोचिए कि 20,000 कापियां निकलेंगे तो 20,000 लोग ही पढ़ते बोल के, लेकिन यहाँ पे अलग है,
हमारे देश में एक व्यक्ति के खरीदे हुए पत्र को कम से कम 20 लोग पढ़ते हैं। हमारे देश में एक आदमी कोई एक न्यूज़पेपर खरीदेगा तो उसे एक 20 लोग तो आराम से पढ़ लेते रहेंगे। उस पत्र के संस्कृति विशेषक के लिए एक कहानी लिखने के लिए संपादक ने मुझसे अनुरोध किया है। उस पत्र के संक्रांति विशेषक के लिए एक कहानी लिखने के लिए संपादक ने मुझसे अनुरोध किया है। संक्रांति के बारे में लिखने के लिए, एक कहानी लिखने के लिए एक लेखक, एक संपादक, न्यूज़पेपर एडिटर मुझसे अनुरोध किया है। उस कहानी में कांतम द्वारा बच्चों के साथ गुड़ियों की सजावट करने की एक घटना लिखूंगा। ये कहानी में कांतम एक कैरेक्टर को लेके उसके ज़रिए से बच्चों के साथ गुड़ियों की सजावट करने का तरीका, उस घटना के बारे में एक कहानी लिखूंगा। ये घटना क्या, सारी कहानी में गुड़ियों के बारे में, गुड़ियाँ खरीदना, कांतम द्वारा मेज़ पर अलंकरण करना, गुड़ियों का वर्णन आदि आदि होंगे। और आगे कहानी इस प्रकार की होगी, ये की एक घटना नहीं, सारी कहानी में खाली गुड़ियों के बारे में, कांतम गुड़ियाँ खरीदना, गुड़ियों को मेज़ पर सजाना और गुड़ियों का खूबसूरती का वर्णन करना, इस प्रकार कहानी पूरी आगे आगे बढ़ते रहेंगे। अड़ोस पड़ोस सब हमारी गुड़ियों को देखने आएंगे। जब जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, ये सब लोग अलंकार करे हुए गुड़ियों के लिए, देखने के लिए सब लोग हमारे घर को आएंगे। वे इन गुड़ियों की सुंदरता, निर्माण चतुराई, बढ़िया फिनिश और टिकाऊपन देखकर मुग्ध होकर कांतम से पूछेंगे कि आपने इन गुड़ियों कहाँ से ख़रीदा। ये गुड़ियों की खूबसूरती को देख के, उसके निर्माण को देख के, उसके चतुराई को और उसकी पॉलिश और फिनिशिंग जो भी है उसे देख के लोग यहाँ पे खुश होंगे और कांतम से पूछेंगे कि ये गुड़ियाँ आप कहाँ से ख़रीदे। कांतम उनसे कहेंगे कि सारी गुड़ियाँ विजयवाड़ा के प्रसिद्ध वेंकोजी एंड संत से खरीदी गई है और वहाँ गुड़ियाँ बहुत सस्ते दाम पर मिलती है। कहानी में इस तरह लिखने से गुड़ियों का जितना प्रचार होगा और आपको जितना लाभ होगा वो आप सोच ही लीजिए। इस तरीके से कहानी में मैं गुड़ियों के बारे में जिक्र करूँगा और उसका प्रचार होते रहेगा, एडवर्टाइज होते रहेगा और आप कितना लाभ उठाते इससे आप सोचिए। उस पत्र के निकलते ही उसे 4 लाख लोग पढ़ेंगे, पढ़कर ये जान लेंगे कि आपकी कंपनी में अच्छी गुड़ियाँ सस्ते दाम पर मिलती हैं। ये पत्र निकलते ही, न्यूज़पेपर निकलते ही 4 लाख लोग पढ़ेंगे और बोलेंगे कि गुड़ियाँ सस्ते दाम पर मिलती है। एक कंपनी में वेंकोजी एंड सन्स कंपनी में गुड़ियाँ सस्ते में मिलेंगे, सस्ते दाम में मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे, ये आपका एडवर्टाइजमेंट होगा। लेकिन एक कठिनाई है, मुझे ये पता नहीं है कि गुड़ियाँ कितनी प्रकार की होती है और आपके यहाँ कौन कौन सी गुड़ियाँ बिकती है। लेकिन एक परेशानी भी है यहाँ पे, मुझे मालूम नहीं है कि गुड़ियाँ कितने किस्म के रहते हैं, कितने प्रकार के रहते हैं और आपके पास कौन से किस्म के गुड़ियाँ हैं, ये तो मेरे को नहीं मालूम आप कौन से गुड़ियाँ बेचते। जब ये बात मुझे ज्ञात नहीं है, मैं उनका वर्णन कैसे कर सकूँ। अगर से ये बात मुझे मालूम ही नहीं है आपके पास कितने गुड़ियाँ हैं, कौन से किस्म के गुड़ियाँ हैं, कौन से अच्छे बिकते हैं, तो वो गुड़ियों के बारे में मैं वर्णन, उसकी तारीफ़ कैसा करूँ। इसलिए आप एक काम करिए, आपके पास जो जो गुड़ियाँ हैं उनमें से प्रत्येक नमूने कि एक एक गुड़िया मेरे पास भिजवाएंगे, अर्थात कोंडापल्ली की कांच, सेल्यूलाइड, रबड़ और चीनी, मिट्टी के गुड़ियों के नमूने आदि आदि। इसलिए आप क्या करेंगे कि
आपके पास जो जो गुड़ियाँ हैं उसके एक एक मॉडल, एक एक नमूना मेरे पास भेज दीजिए। कोंडापल्ली कांच के हों दो या मिट्टी के रहें दो और रबर के हों दो या किसी के भी हों दो, यदि इसमें भी अलग अलग डिज़ाइन हो तो उनमें से भी एक एक, अगर से आपके पास डिज़ाइन अलग अलग है तो उसमें से भी एक एक भेज दीजिए। यदि प्रत्येक डिज़ाइन में तरह तरह की गुड़ियाँ, बिल्ली के हों दो, कुत्ते के हों दो या शेर के हों दो, कुछ भी रहें दो, ऐसे गुड़ियाँ भी अगर से रहे तो वो भी एक एक भेज दीजिए। उन सब का सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करके उनके विस्तृत वर्णन के साथ मैं कहानी लिखूँगा। वो पूरी जानकारी लेके वो किस तरीके से आप बनाए करें उसको पल पल मैं जानकारी करके उसके बारे में एक कहानी लिखूँगा। 400,000 लोग आपकी गुड़ियों की कहानी उस पत्र में पढ़कर आपकी दुकान के पास भीड़ लगाएंगे। 400,000 लोग ये कहानी पढ़ेंगे और ये कहानी पढ़ के आपकी गुड़ियों की तारीफ देख के आपके दुकान के सामने एक लाइन लगा देंगे कि गुड़ियाँ खरीदने के लिए। गुड़ियाँ खरीदने के लिए आप जैसे बड़े व्यापारी लोगों को विज्ञापन की महत्व के बारे में अलग अलग बताने की ज़रूरत नहीं है। आशा है कि आप पत्र उल्लिखित विधि के अनुसार गुड़ियाँ भिजवाएंगे। मैं आपके ऊपर आशा करता हूँ, यानी एक भरोसा रखता हूँ कि मैं आपको जिस तरीके से लेटर में बताया उस तरीके से आप गुड़ियाँ मुझे भिजवा लेंगे। उत्तरभिलाषी भवदी वेंकटराव। यानी स्टार्टिंग में आपको बताया गया जो कंपनी को उन्होंने लेटर लिखे जा रहा वो बताया गया, और यहाँ पे जो बताया जा रहा जो आदमी लेटर लिखा, अब देखेंगे उसके उत्तर में क्या आ रहा। ये लेटर लिखने के बाद मैं ऐसा महसूस करेंगी ये खिलौने जो गुड़ियाँ खरीदना है उसका बोझ मेरा सारा उतर गया। अपनी इस बुद्धिमानी पर मुझे गर्व हुआ, ये जो मेरी अक्लमंदी के पर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। तभी कांतम को जगा कर ये बात बताने की इच्छा हुई। तब मैं कांतम को उठा के ये जो लेटर लिखा वो पढ़ के सुनाने की ख्वाहिश ही। फिर थोड़ी देर सोच के निश्चय कर लिया कि अभी उसे बताना ठीक नहीं है। फिर उठ के मैं सोच लेंगी अभी इसे बताना ठीक नहीं है। अगले दिन भी यह बात उसे बताने की इच्छा नहीं हुई। दूसरे दिन भी यह बात उसे सुनाने की ख्वाहिश नहीं हुई। हाँ, इतना तो बता दिया कि संक्रांति के लिए अवश्य गुड़ियाँ आएंगे। कांतम उससे संतुष्ट हुई। दो दिन बाद वेंकोजी एंड सन्स कंपनी से चिट्ठी आई। हाँ, कांतम को ये चीज़ बता दिया कि संक्रांति के दिन अवश्य ज़रूर घर में गुड़ियाँ आएंगे, और कांतम बहुत खुश हुई। लेकिन दो दिन के बाद वेंकोजी एंड कंपनी से लेटर आया, वो क्या है देखेंगे। विजयवाड़ा, यानी इन्हों विजयवाड़ा से लिख रहे हैं। पहले लोग जो वेंकटराव लिखे थे उन्हों बंदर से लिखे थे। सेवा में महोदय जी बंदर। महोदय, आपने हमारे ऊपर जो एहसास दिखाया है उसके लिए हम आभारी हैं। आप हमारे ऊपर जो एहसान करें उसके पर हम बहुत थैंक्सफुल है। हमारी गुड़ियों की विशेषता के बारे में अब तक बहुतों को मालूम है, और हमारा व्यापार भी आपकी कृपा से ठीक ही चल रहा है। हमारी गुड़ियों के बारे में बहुत लोगों को मालूम है, और आपकी मेहरबानी से हमारा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। फिर भी आप जैसे मूर्धन्य लेखक की कहानियां द्वारा हमारी गुड़ियों के बारे में एक जनप्रिय पत्र में छापकर सबको विस्तृत विवरण मिलना वास्तव में हमारे लिए अधिक लाभदायक बात होगी, ये हमारा विश्वास है। जो आप जैसे कमज़ोर लेखकों से कहानियों से हमारी गुड़ियों के बारे में ये न्यूज़पेपर में छप के और उसका विस्तृत प्रचार होना, यानी और कहाँ कहाँ तक कि फैल जाना हमारा एडवर्टाइजमेंट, ये हमारे लिए फ़ायदा भी होगा, और ये हमारा विश्वास भी है कि आप इसके बारे में लिखेंगे। ये अधिक उचित है कि आप स्वयं हमारी गुड़ियों को देखकर उनका वर्णन करें। आपका
पत्र हमने अपने मालिक के सम्मुख प्रस्तुत किया है। वे यथोचित कार्य करके आपको यथाशीघ्र इसकी सूचना देंगे। क्या है ये अधिक उचित है कि आप ये, और अच्छा है कि आप हमारे पास आके हमारे गुड़ियों को देख के ये गुड़ियों का वर्णन, इसका खूबसूरती के बारे में तारीफ करिए। आपके पत्र हमने अपने मालिक के सम्मुख प्रस्तुत किया है। आप जो लेटर लिखे हुए हैं वो लेटर हमारे मालिक को हम पहुंचा दिए, वो इसके बारे में ज़रूर सोचेंगे। धन्यवाद के साथ बहुत ही रामैया, ये कौन है? रामैया लिख रहा, वेंकट जी एंड सन्स कंपनी से। चिट्ठी मिलते ही जितना संतोष हुआ उसका वर्णन में मैं नहीं कर सकता। ये चिट्ठी मिलते ही वेंकटराव को कितनी खुशी हुई उसके बारे में तो अपन नहीं बोल सकते। उसके बाद ये प्रश्न सामने आया कि बचे हुए रुपये से बच्चों के लिए कपड़े खरीदना है या कांतम के लिए साड़ी लेना है। अब बचे हुए पैसों से क्या करना है? अब एक सवाल पैदा हो गया उसके ने कि बच्चों के लिए कपड़े खरीदना या साड़ी खरीदना। अरे बच्चों के लिए क्या, जो कुछ भी कपड़े हैं सो ठीक ही है, रेशमी साड़ी खरीद देगा मेरे लिए, 4-5 साल के बाद वो हमारी लड़की के लिए भी काम में आ जाएगी, कांतम ने सलाह दी। मैंने एक पत्र लिखा। अरे बच्चों को क्या करते हैं, बच्चों के पास तो कपड़े बहुत है, एक रेशम की साड़ी मेरे लिए खरीद लीजिए, 1-4-5 साल पहनने के बाद बच्चे को फिर दे सकते हैं। तो फौरन साड़ी वाले को भी एक लेटर लिख रहे हैं, वो देखिए किस तरीके से बंदर से लेटर लिख रहे हैं। ये कहाँ पे है? बोले तो मद्रास में है, कंपनी का नाम है चल्लाराम गंगाराम, ये मद्रास में स्थित है, उसके बारे में देखिए। महोदय, पेद्दापुरम रेशमी साड़ी या पुदुचेरी रेशमी साड़ी, इसमें से कोई एक जिसका दाम 10 रुपये से अधिक ना हो, VPP द्वारा भेजने की कृपा करें। भवदीय वेंकटराव। ये वेंकटराव लिख रहे हैं, किसे लिख रहे हैं? चल्लाराम गंगाराम कंपनी मद्रास वालों को। उन लोग कह रहे हैं कि एक रेशमी साड़ी पेद्दापुरम या पुदुचेरी की एक साड़ी भेजिए, रेशमी साड़ी 10 रुपये से ज़्यादा रेट नहीं होना है, इसे VPP के ज़रिए भेजिए। एक और पत्र अपने साले साहब को भी लिखा, चिरंजीवी रामाराव सुभाषेश, यानी साले का नाम रामाराव है, उनको लिख रहे हैं आशीर्वाद देते हुए। इस संक्रांति को बच्चे गुड़ियों का त्योहार मनाने वाले हैं। ये संक्रांति के ईद में बच्चे पूरे गुड़ियों की ईद मनाने वाले हैं। इसके लिए स्वदेशी गुड़ियों के अतिरिक्त जापान जर्मनी आदि विशेषज्ञ की विचित्र गुड़ियाँ मंगा रहा हूँ। इसके अलावा अपने देश के गुड़ियों के अलावा जापान और जर्मनी, यहाँ से भी मैं अलग अलग गुड़ियाँ मंगा रहा हूँ। उन सबको ठीक तरह से सजाने के लिए तुम्हारी बहन सारा प्रबंध कर रही है। ये गुड़ियों को सजाने के लिए आपकी बहन ये पूरा इंतजाम कर रही है। तुम्हें सपरिवार आकर इन सुंदर गुड़ियों का दृश्य अवश्य देखना होगा। आप आपके परिवार के साथ आके ये सारे गुड़ियाँ देखना है और त्यौहार में भाग लेना होगा। आशा है तुम दोनों बच्चों के साथ संक्रांति के दिन आओगे। मैं उम्मीद करेंगे आप संक्रांति में आपके बच्चों के साथ, आपके फैमिली के साथ आओगे। तुम्हारा वेंकटराव। कांतम ने भी अपनी छोटी बहन को एक पत्र लिखा। अब इधर तो इन्होंने साले को लिखे और कांतम क्या है, अपनी छोटी बहन को भी एक लेटर लिखें। बहन, ये प्रसन्नता की बात है कि ईश्वर की कृपा से जो कुछ मिला उसमें तुम तृप्त का अनुभव करते हुए परिवार के साथ सुखी जीवन बिता रहे हो। ये बात खुशी की है कि ईश्वर की कृपा से, यानी अल्लाह की मेहरबानी से जो कुछ मिला उससे आप खुश हो के आपका परिवार सुखी के साथ जीवन बिता रहे हैं। गुंटूर में जब हम मिले थे उस समय तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे बच्चे गुड़ियों के लिए ज़िद करते हैं। गुंटूर में जब आप मिले थे, जब मैं आपकी मेरी बातचीत के वक़्त आप बोले थे कि बच्चे गुड़ियों के लिए बहुत ज़िद कर रहे हैं,
इस संक्रांति के लिए तुम्हारे जीजाजी भी अनेक चित्र विचित्र गुड़िया मंगा रहे हैं। ये संक्रांति के वक्त आपके जीजाजी कई किस्म के गुड़िया मंगा रहे हैं। मैं सोच रही थी कि हमारी पुरानी गुड़िया सारी तुम्हें भेज दूँ। मैं सोच रही कि जितने भी पुरानी गुड़िया हैं वो आपके पास मैं भेज देना। इतने में हनुमंतराव गुंटूर जाते हुए मुझसे कहने आया था कि कोई समाचार तुम्हारे लिए हो तो बताओ। तो मैंने उसके साथ उन गुड़िया तुम्हारे पास भेजा। क्या है, उतने में हनुमंतराव क्या है गुंटूर को जाने के लिए आ रहे थे, तो उन्होंने पूछे कोई समाचार वहाँ पे देना है क्या। तो मैं ये गुड़िया पूरे सारे उठा के आपके पास भेज दी। गुड़ियों के मिलते ही बच्चों की कुशलता के बारे में पत्र लिखो। बच्चों को प्यार, तुम्हारी कांतम। ये गुड़िया मिलते बच्चों की खुशहाली के बारे में लेटर लिखिए और बच्चों को मेरा प्यार, तुम्हारी कांतम। अब तक वेंकट जी कंपनी से तो कोई पत्र नहीं आया और कोई रेलवे रसीद। मद्रास से तो रेशम की साड़ी आई, उसी VPP को छुड़ाने मैंने उसे कांतम को दिया तो वो प्रसन्न हुई। मुझसे उसने पूछा क्यों जी साड़ी तो आ गई, गुड़िया कब आएंगे। अब ये VPP छुड़ाने के लिए कांतम को मैं दे दिया था और उन्होंने खुशी के मारे VPP छुड़ा ली और पूछने लगी साड़ी तो आ गई लेकिन गुड़िया कब आएंगे। वे भी आ जाएंगे आज या कल, मैंने कहा। और वेंकटराव बोल रहे थे कि आज या कल में आ जाएंगे। समुद्रगुप्त की तरह मानो हार कर कभी नहीं मानते हो। क्या है, इनो जिद हार गए और जीत भी हार गए लेकिन वो हार को मान रहे नहीं। पैसा तो नहीं आपके पास, तो खरीदेंगे कैसे, कांतम ने पूछा कुछ संदेह से। अब साड़ी तो खरीद ली है, अब आपके पास पैसे नहीं है, अब कैसा खरीदेंगे आप। ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैंने कहा। वे आज या कल आ जाएंगे बस। अब ये तो जिम्मेदारी मेरी है गुड़िया मंगाने की, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, आज या कल में आ जाएंगे। हाँ गुड़िया नहीं आएंगे तो मैं चुप नहीं रहूँगा, रहूँगी। अगर से गुड़िया नहीं आए तो मैं चुप नहीं रहूँगी, कांतम ने प्रत्युत्तर दिया। क्या इसमें कांतम नाराज होते हुए बोली कि अगर से गुड़िया नहीं आएंगे तो मैं खामोश बैठने वाली नहीं। मैं सोचने लगा कि अब तक वेंकोजी एंड सन्स कंपनी का कोई पार्सल क्यों नहीं आया। अभी ना सोच में पड़ गया कि अब तक पार्सल क्यों नहीं आया। रेलवे पार्सल भेजने से खर्चा ज्यादा होगा, संभवतः ये समझकर वे आगे पीछे कर रहे होंगे। अगर से रेलवे में ये पार्सल भेजने का रहा तो उसका खर्चा ज्यादा होंगे बोल के सोच के उन्होंने आगे पीछे हो रहेंगे। खैर एक पत्र लिखना ठीक होगा, फिर और एक लेटर लिखेंगे। समझकर मैंने उनके नाम एक और पत्र लिखा, ये सोच के फिर उनको और एक लेटर लिख दिया। वेंकोजी सन्स एंड कंपनी, विजयवाड़ा। महोदय, अभी आपसे गुड़ियों के भेजने के बारे में कोई उत्तर नहीं आया। अब तक भी आप गुड़ियाँ भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं उसके बारे में कोई लेटर नहीं आया। इसका कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं कल शुक्रवार को तेनाली जा रहा हूँ, आप क्यों नहीं भेजे मुझे कुछ समझ में नहीं आया। खैर मैं कल शुक्रवार को फ्राइडे के दिन तेनाली जा रहा हूँ, वहाँ से फिर शनिवार को सवेरे ही गाड़ी से बंदर लौटूंगा, फिर वहाँ से हफ्ते के दिन शनिवार के दिन फिर मैं लौट जाऊँगा। आप गुड़ियों को पैक करके अपने आदमी के हाथ गाड़ी के समय विजयवाड़ा स्टेशन भेज देंगे तो मैं उन्हें ले लूँगा। घर से आप एक पार्सल करके आपके आदमी के हाथ से विजयवाड़ा स्टेशन के ऊपर भेज देंगे तो मैं वहाँ से ये पैक ले लूँगा। बहुत ही वेंकटराव, आपका वेंकटराव। हमारी लड़की सबसे कह रही है कि पिताजी शनिवार को चित्र विचित्र गुड़ियाँ देंगे। हमारी लड़की तो ऐसा बोले थे फिर रही कि हफ्ते के दिन शनिवार के दिन हमारे पिताजी नए नए गुड़ियाँ लेंगे। मेरी पत्नी भी सभी
अड़ोस पड़ोस से कह दिया कि मैंने किसी बड़ी कंपनी से चित्र विचित्र गुड़िया मंगाई। सब प्रतीक्षा करने लगे कि शनिवार कब आएगा, और मेरी लड़की सबसे कहने लगी और मेरी पत्नी कांतम भी अड़ोस पड़ोस से भी कहने लगी कि हमारे हस्बैंड एक बड़ी कंपनी से चित्र विचित्र नए नए किस्म के गुड़िया मंगा रही। सब लोग ये हफ्ते के इंतज़ार में हैं। मैंने उस दिन रात को सपने में देखा कि हमारा घर चित्र विचित्र गुड़ियों से सजा गया। उस दिन इन्हें एक ख्वाब देख के उठे कि इनका घर पूरा गुड़ियों से भरे हुआ है। शहर के सारे लोग आकर उसको से पूछ रहे कि इतनी अच्छी गुड़ियाँ कहाँ से मंगाई है गई। हर एक जने भी पूछ रहे कि ये अच्छे अच्छे गुड़ियाँ कहाँ से मंगाए। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे आनंद की सीमा ना रही, और मेरी फैमिली की यानी मेरे बच्चों की और मेरी पत्नी की तो खुशी ज़्यादा हो गई। लोग कहते हैं कि जो सपना में देखा जाता है वह सही नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो ख्वाब देखते वो सही नहीं हो सकते। मुझे संदेह हुआ कि कहीं मेरा सपना सपना ना रह जाए। अब मुझे एक शक आ गया कि मेरा ख्वाब सिर्फ ख्वाब में ना रह जाए। शुक्रवार की शाम के डाक से उस कंपनी से पत्र ही आ गया। पत्र खोलते ही वे हाथ कांपने लगा। भगवान को स्मरण करके पत्र खोलकर पढ़ने लगा। क्या है, शुक्रवार होते ही शाम के टाइम एक लेटर आया वो कंपनी से, और वो लेटर खोलते खोलते हाथ कांपने लगे और भगवान को याद करते हुए इन्हों लेटर खोल रही। अब ये लेटर में क्या है देखिए। विजयवाड़ा से आया है, वेंकटराव जी को ये लिखे हुए हैं। सेवा में वेंकटराव जी। महोदय, आपके दोनों कृपा पत्र हमारे मैनेजर ने मुझे दिखाए। आप जो लेटर्स लिखे वो दो लेटर्स भी हमारे जो मैनेजर है हमें बताए। आपने हमारे ऊपर जो दया दिखाई है उसके लिए हम आपके अत्यंत कृतज्ञ हैं। आप जो हमारे ऊपर कृपा मेहरबानी बताएं वो हम उसके लिए आपको बहुत बड़े थैंक्सफुल शुक्र गुजार हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप जैसे लेखकों की रचनाओं के द्वारा हमारी गुड़ियों की प्रशंसा सुनकर लोग हमारी चीज़ों को खूब खरीदेंगे और हमारे व्यापार की श्रीवृद्धि होगी। आप जैसे लेखकों से ये हमारे गुड़ियों के बारे में तारीफ करके कहानियाँ लिखेंगे तो हमारे चीज़ें और बिकेंगे और हमारे व्यापार में ज़्यादा वृद्धि हो सकती। आपने लिखा है कि आप स्वयं गुड़ियों को देख के उसकी प्रशंसा लिखेंगे। आप तो लिखे थे कि आप खुद देख के आपकी गुड़ियों की प्रशंसा करेंगे। इससे बढ़कर संतोष की बात क्या हो सकती है? अब इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या है? तेनाली से बंदर आते समय आप विजयवाड़ा होते हुए ही आएंगे। तेनाली से बंदर जाते वक्त आप विजयवाड़े से जाएंगे ना। स्टेशन से हमारी दुकान बहुत ही नज़दीक है। स्टेशन में उतरे तो हमारी दुकान तो बिल्कुल करीब है। आप कृपा करके स्टेशन उतर के हमारी दुकान पधारिए। आप मेहरबानी करके स्टेशन में से उतर के आप हमारे दुकान पे आइए। आपके स्वागतार्थ स्टेशन पर मैं अपने एक नौकर को भेज दूँगा। आपको वेलकम करने के लिए स्टेशन पर मैं एक नौकर को भेज दूँगा। आप स्वयं दुकान में पधार कर स्वयं सारी गुड़ियों के निरीक्षण करेंगे तो बहुत उत्तम रहेगा। आप खुद आके पूरी गुड़ियाँ देख के उसका विश्लेषण करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे तो बहुत अच्छा होगा। उस दिन आपके दुकान की सारी गुड़ियों को देखने के लिए मैं व्यवस्था करवा रहा हूँ। जिस दिन आप आएंगे उस दिन पूरे गुड़ियाँ देखने के लिए मैं पूरे इंतज़ाम करा रहा हूँ। हाँ, साथ ही एक और विनती है, आप उस दिन शाम को मेरे साथ काफ़ी पीने की कृपा करें तो आभारी रहूँगा। और एक मेहरबानी है कि उस दिन शाम को मेरे साथ
आप काफ़ी पीने के लिए भी आएंगे। कष्ट के लिए क्षमा, बहुत ही वेंको जी, ये फिर लेटर वेंको जी के पास आया। वेंको जी के पास से वेंकटराव को आया। अब यहाँ पे उनका सपना सपना ही रह गया, वही यहाँ पे एक गुड़ियों का त्यौहार बन गया। सिर्फ इन्हों सपनों में एक गुड़ियों का त्यौहार मना सके, लेकिन अपने सपने को सच्चा नहीं कर सके। ये लेटर जैसा है और एक कहानी भी है। आज के लिए ये पार्ट यहाँ पे समाप्त।